वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। डिस्कशन जारी थी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हमें किस तरह की रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्या पॉलिसीज, क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। इसके साथ साथ जनाब एनर्जी क्राइसिस पर भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशनल सिस्टम में भी आप लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं एनर्जी के ऊपर, उस हवाले से भी कोई प्रोजेक्ट जिसके हवाले से बताना चाहिए। जो हमारा फोकस है वो पब्लिक बिल्डिंग जितनी है हमारे, जिसमें यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, और जो हमारे ACDC या जो कचहरी के जो ऑफिसेज हैं, हम उनको सोलराइज करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिन का काम होता है तो हमें इसके लिए बैकअप सिस्टम की भी ज़रूरत नहीं होती, और छतें भी हमारी सारी खाली पड़ी हैं, तो उस पर अगर ये सिस्टम लग जाता है या थोड़ी सी जगह भी हमें लेनी पड़ती है, तो उसमें जो आपके बिजली की एक तो वहाँ पे खपत कम हो जाएगी, वो हम इंडस्ट्री को दे सकते हैं, और वहाँ पे जो बिजली होगी वो सस्ती होगी। इसी को मतलब आगे बढ़ाते हुए कि हमारा इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एक 2.6 मेगावाट का हम उनको यूनिट दे रहे हैं, और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का फंडेड वो है, तो अगर फर्ज करें 20 लाख उनका बिल आता है, तो 10 लाख में वो बैंक की अपनी किस्त देंगे और 10 लाख फिर यूनिवर्सिटी को बचता है। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, हम पब्लिक बिल्डिंग्स को उस पर शिफ्ट करने जा रहे हैं। और मेन जो दूसरी जो मैं इसमें बता रहा हूँ कि हमारा एक नेट मीटरिंग का प्रोजेक्ट, राणा साहब के भी इलम में होगा, नेट मीटरिंग का प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट हमारे चल रहा है, जिसमें हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि अपने घरों की छतों पर ये सोलर सिस्टम लगाएं, नेट मीटर लगवाएं। अगर आपकी बिजली फालतू बनेगी तो वो वापडा सिस्टम में जाएगी, उसकी आपको पेमेंट भी मिल सकती है, या रात को आप जो बिजली इस्तेमाल करेंगे उसके में वो एडजस्ट भी हो सकती है। वो बड़ा जबरदस्त सिस्टम है सर। वो उसमें ये है कि मैं अगर अपने सोलर पावर प्लांट लगाता हूँ तो वहाँ पर मुझे क्या होगा, अगर जितनी बिजली मैं पैदा करता हूँ ना, उसमें मैं कुछ इस्तेमाल करता हूँ, जितनी मेरी इस्तेमाल होगी वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो सिस्टम में चली जाएगी, और उधर से उसमें डबल फायदा होगा। एक तो आपकी मतलब वहाँ पे मनी जनरेट होगी, दूसरा जो आपकी जैसे हमारा हॉट वेदर है यहाँ पे, अगर छतों पे ये सोलर सिस्टम लग जाता है तो इंसुलेशन का काम भी करेगा। एक और हमारा प्रोजेक्ट इसी तरह, हम जो गुजरात मॉडल एक है सोलर का इंडिया में, उन्होंने नहर को जो है ना सोलर से कवर कर दिया है, सोलर प्लेटें लगा के हम 1 किलोमीटर अगर प्लेटें लगाते हैं तो उसमें 1 मेगावाट वो बिजली बनती है। अब उसमें होगा ये कि जब नहरों को कवर करेंगे जो इवेपोरेशन होती है पानी की वो रुक जाती है, पानी ज़ाया नहीं होता। दूसरा, अगर नीचे से वो पानी की ठंडक होती है उससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है सोलर प्लेटों की। तीसरा ये है कि हमें कोई जगह और लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अवेलेबल हमारे पास स्पेस है, उसमें हम अगर ये लगा देते हैं तो उस पर ये सारा सिस्टम चल सकता है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपका पैसा कम लगे और उसमें से आउटपुट ज़्यादा हो। हम इसको सोलर जो इंडस्ट्री है, अभी कोई हमारी कुछ 2-4 कंपनियों से बात चल रही है, हम चाह रहे थे कि यहाँ पे सोलर इंडस्ट्री यहाँ पे लग जाए, ताकि लोगों को इकोनॉमिकल प्राइसेस पे वो अपना मिल जाए सोलर पैनल्स और उसका बैकअप सिस्टम, और लोग इस पे चले जाएं। मैं जर्मनी की मिसाल दूंगा, वहाँ पे 80,000 मेगावाट ये सोलर सिस्टम से बना रहे हैं, 80,000 मेगावाट। तो 80,000 मेगावाट वो इतना बनाते हैं कि गर्मियों में इंसेंटिव देते हैं कि जी आओ जी बिजली ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हम आपको ये देंगे, हम ये देंगे। तो यहाँ पे जो बिजली इस्तेमाल करते हैं तो उन पे उनको बेचारों को सोचते रहे होते हैं बिजली इस्तेमाल मल्टीप्लाई होता जाता है। ये दुनिया का मेरे ख्याल वहद हमारा मुल्क है, 14,000 मेगावाट बिजली की आपको जरूरत है, वही पूरी नहीं होती, पूरी नहीं होती। वो असल में सिस्टम इन्होंने ऐसा वो पैथेटिक सिस्टम बनाया हुआ है। लेकिन अब चूंकि आपकी गवर्नमेंट है, हम यही एक्सपेक्टेशन, क्योंकि हम वोट भी पब्लिक ने दिया ये सोच करके कि चेंज आएगा, तब्दीली आएगी, और जो उनके मसाइल है उनको एड्रेस किया जाएगा। और बेसिकली आजकल के हम रिसेंट मसाइल में देखें तो बल्कि बहुत पुराने मसाइल चले आ रहे हैं, चाहे बिजली है, गैस है, पानी है, ये सारे मसाइल उन्हीं देखिए उनका यही बेसिक मसाइल है। उसकी वजह ये है कि अगर किसी भी चीज में, अगर किसी गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो वो नहीं चलेगी। तो मुल्क का पेट्रोल जो है वो बिजली है एनर्जी है। देखिए मैं वही पहले अर्ज कर चुका हूँ ना कि जिस तरह हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन थी कि मुल्क डिफॉल्ट की लाइन पर पहुंचा हुआ था, तो पहले तो हम उससे निकले हैं कि अल्लाह का शुक्र है हम वो डिफॉल्ट से निकल गए हैं। अब परसों जो UAE के हमारे वो आए हुए थे शेख जैद बिन नेहान जो है, शेख मोहम्मद बिन जैद अन नेहान,
वो अपना यहाँ पे एक रिफाइनरी का भी करके गए हैं कि ग्वादर के करीब हम रिफाइनरी लगवा रहे हैं, और इंशाल्लाह जैसे हमारे वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि इंशाल्लाह एक अच्छी खुशखबरी आने वाली है कि वहाँ से आपके इतने गैस के ज़खायर हैं कि 60 साल के लिए वो हमें किसी चीज़ की इम्पोर्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह की जो चीजें हैं हम उनको उस तरह हमने जा रहे बेसिकली यूटिलाइज नहीं किया है, जो हमारे पास रिसोर्सेज थे हमने उनको यूटिलाइज प्रॉपर वे में नहीं किया, यूटिलाइज भी नहीं किया और उस पर काम भी नहीं किया, और टोटली डिपेंड किया है कि हम चीजें बाहर से मंगवाएं ताकि हमारा रोजगार बनता रहे। तो वो उन रोजगार तो खैर सर बना ही हुआ था, बाकी मामला चलते, इसलिए ना जिसको उठाते हैं उसका कोई ना कोई और किस्सा निकल आता है, इसलिए इंशाल्लाह वो चीजें। अच्छा, हम ये करने जो जा रहे अभी हमने सारे प्रोजेक्ट्स डिस्कस किए इनमें से किन के पायलट जो हैं वो शुरू हो चुके हैं और किन पे जल्द अज जल्द जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा? देखें जी, हमारे जो जो क्लीन एनर्जी में आता है ना जी, उसमें हम हाइड्रो में जा रहे हैं, जो रन ऑफ द कैनाल पे मतलब है वहाँ पे टर्बाइन लगा के सिस्टम एक आ गया है कि उसके लिए हाइट वगैरह की या फाल की जरूरत भी नहीं होती, तो रन ऑफ दी कनाल पे भी लग जाते हैं। और इस तरह के हमारे कोई 39 पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं उसके लिए। एक हमारा 1500 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट है, विंड पोटेंशियल है, 1000 मेगावाट का राजनपुर में है, 500 का इधर कलर कार में है। तो ये इन चीज़ों के लिए फ्यूल की जरूरत तो है नहीं, हमने सिस्टम लगाना और चल पड़ना है। और तीसरा जो मेन है वो हम सोलराइज करने जा रहे हैं कि पब्लिक बिल्डिंग कर दें, हमारी जितनी वहाँ से सेविंग होगी वो उसमें इंडस्ट्री में चली जाएगी और इंडस्ट्री को हम सस्ती बिजली दे के हम इंडस्ट्री को रिवाइव करने जा रहे हैं। और इस पे प्रैक्टिकली अभी 3 महीने तो हमारी पंजाब हुकूमत को भी 100 दिन का हमने वो प्रोग्रेस दी थी, तो इंशाल्लाह जैसे ही हमारी ये एनर्जी पॉलिसी इसी महीने में हो जाएगी, फर्स्ट मंथ ऑफ दिस ईयर, तो उसके बाद हम ये इसको प्रैक्टिकली इसको सर कोई मैसेज आप हमारे देखने वालों को देना चाहें तो क्या? देखें जी, मैं समझता हूँ कि जिस तरह अल्लाह ताला की मेहरबानी के बाद पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान की क्यादत पर और उनकी टीम पर एतमाद का इजहार किया है, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह जिन तवक्कोआत के साथ आप लोगों ने इक्तदार अल्लाह के बाद इमरान खान की क़यादत को दिया है वो आपको मायूस नहीं करेंगे। थोड़ा सा टाइम चाहिए, लोग चाहते थे कि हमारा 70 साल जो ख़राबी है वो 70 दिनों में दूर हो जाए, तो इस तरह मुमकिन नहीं था। हम जो वादे करके हैं इंशाल्लाह जब हम अगले इलेक्शन में जाएंगे वो अल्लाह के फजल व करम से पूरे होंगे। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका आने का, बहुत शुक्रिया अनफ आदाब का भी जनाब। इस उम्मीद के साथ कि तब्दीली जल्द आएगी, और जिस तब्दीली के लिए कहा गया था क्या वो वाकई तब्दीली आएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमें और भी मेहमान ज्वाइन करने वाले हैं, आप देखते रहिए जागो लाहौर।